हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल अभी हम हैं मुंबई सेंट्रल में। आप पीछे देख सकते हैं मेरे, मुंबई सेंट्रल के फ्रंट गेट पर मैं इस टाइम पर खड़ा हूं और मैं आज आपको दिखाऊंगा डॉर्मेट्री मुंबई सेंट्रल स्टेशन की। फिलहाल मैं हूं मेन गेट पर जहां पर ये टैक्सी ड्रॉप करती हैं। यहाँ पर ये जो है टैक्सी ड्रॉप करती हैं और ये मेन एंट्रेंस है मुंबई सेंट्रल स्टेशन का। और इस तरफ जो है टैक्सियाँ पार्क होती हैं और अगर आपको लेनी हो तो टैक्सियाँ इधर से मिल जाएंगी, ईजिली मिल जाएंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और फिलहाल जो है अभी हम चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ डॉर्मेट्री किस तरफ आपको जाना है। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि अंदर जब हम एंट्री कर जाते हैं तो अंदर इसकी स्टेयर्स नहीं है, स्टेयर्स एंट्री के जस्ट बाहर ही हैं, तो अंदर चेक इन ना करके बाहर से हमें डॉर्मेट्री के लिए जाना है। तो फिलहाल इसके अंदर जाने के बाद ऐसा आपको मिलेगा यहाँ पे चेक इन जो अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ और वेटिंग एरिया की तरफ निकलता है, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना है। इस तरफ है पैसेंजर फैसिलिटेशन सेंटर, अगर कुछ भी दिक्कत हो पैसेंजर्स के लिए तो सहयोग काउंटर यहाँ पे है। और इसी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में है ये रिटायरिंग रूम, तो हमें जाना है रिटायरिंग रूम में। और इस तरफ गई हैं सीढ़ियाँ, ये इस तरफ जो गई हैं स्टेयर्स गई हैं, हमें स्टेयर से ना जाके हम जाएंगे लिफ्ट से। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, अगर पॉड रिटायरिंग रूम में अगर आप जाना चाहते हो तो आप फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ से भी जा सकते हैं, ऑप्शन दोनों हैं, लेकिन हम चलेंगे थर्ड फ्लोर पर। रिटायरिंग जो एसी और नॉन एसी है वो थर्ड फ्लोर पे है। तो अभी हम एंटर करते हैं लिफ्ट के अंदर, हमें जाना है लिफ्ट में। पहली कन्फ्यूजन तो मैं आपकी दूर कर दूँ, जो प्राइवेट वाली है वो थोड़ी महंगी है और जो ये वाली है एसी डॉर्मेट्री और नॉन एसी डॉर्मेट्री है ये उससे कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती है। वो प्राइवेटाइजेशन के साथ उसमें कंपाइलेशन किया गया है और ये पूरी इंडियन रेलवे की है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, अभी लिफ्ट आने वाली है सेकेंड फ्लोर पर है अभी, है ना, उसके बाद चलते हैं लिफ्ट से ऊपर। डॉर्मेट्री थर्ड फ्लोर पे डॉर्मेट्री मिलेगी और पीओडी वाला जो मिलेगा आपको वो आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो लिफ्ट आ चुकी है, चलिए हमें जाना है थर्ड फ्लोर पे, तो इसलिए हमने थर्ड फ्लोर बटन चूज किया है। हम आ गए अभी थर्ड फ्लोर पे और चलते हैं डॉर्मेट्री। इसका जो रिसेप्शन रूम है वो ये है, यहाँ पर आपको चेक इन करना होगा और इसके बाद आपके राइट हैंड साइड में यहाँ मिलेगा, सबसे पहले आपको वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम दिखाते हैं रूम, ये नॉन एसी रूम डॉर्मेट्री D4, ये इस तरह का कुछ रूम है जो नॉन एसी है। इसमें बेड आपको मिल जाएंगे, ये कबर्ड मिल जाएगा और फैन लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, साफ़ सफाई पुराने हैं लेकिन साफ़ सफाई जो है बहुत अच्छी मेंटेन की गई है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस 5 नंबर रूम में ये लगभग 9 बेड हैं। और इस तरह से आपको एक मिरर बोर्ड चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाएगा, चार्जिंग सॉकेट जो है आपको बेड के बराबर में मिल जाएगा, सभी बेड के बराबर में आपको चार्जिंग सॉकेट की सुविधा मिलेगी। फ़ैन ऊपर लगा हुआ है और लाइट भी यहाँ पे अच्छे से जल रही है। और मैं आपको दिखाऊं जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ, साफ़ सफाई जो है बहुत अच्छी है, मतलब स्टाफ ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है पूरी की पूरी डॉर्मेट्री को। और ये है हमारे वाला रूम जिसमें कि मैं रुका हुआ हूँ और ये बेड, यहाँ भी सेम ऐसी पंखे लगे हुए हैं। फिलहाल जो मैं बाहर था पंखे बंद कर दिए थे। और ये सामने आपको मिरर मिल जाएगा, चार्जिंग सॉकेट उधर भी है, हर बेड के पास आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। ये मेरा बेड, वैसे बेडशीट दी जाती है लेकिन मैं यूज़ करता हूँ अपनी पर्सनल बेडशीट, इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। और बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा डस्टबिन, जो एंटर करते ही आपको डस्टबिन मिलेगा। और इसके लिए सभी बेड्स के लिए यहाँ पर कबर्ड है। अगर मैं आपको अपना कबर्ड दिखाऊँ तो इसमें अच्छा खासा स्पेस मिलता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितना स्पेस मिलता है, तो मेरी ये जो अटैची है ये स्मॉल साइज़ की है, ये अटैची आप इसमें आराम से रख सकते हैं। उसके बाद भी इसमें ऊपर स्पेस बचता है, ये इतना बड़ा कबर्ड हमें यहाँ पे मिलता है। अब अपना यहाँ पर अपना लॉक ज़रूर लेके आएँ जब भी आप डॉर्मेट्री में आएँ और यहाँ पर आप इसको लॉक कर सकते हैं। और हैंगिंग के लिए आपको यहाँ पर हर बेड पर आराम से मिल जाएगा हैंगर। और फ्रेश एयर के लिए यहाँ पे विंडो लगी है। ये वो डॉर्मेट्री है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ,
सिक्स नंबर, और फिलहाल मैं आपको दिखाऊँ एसी वाला, एसी वाला भी सेम एज इट इज़ है। इसमें क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ इसमें दो एसी लगाए हुए हैं, एक ये वाला एसी और एक ये वाला एसी, और इसमें मिरर, चार्जिंग सॉकेट, सेम फैसिलिटी सारी एसी है। सिर्फ एक इसमें बेडिंग के लिए अगर आपको लाइट की ज़रूरत हो तो आप इसमें यहाँ पर अपना रात को दूसरे को पैसेंजर्स जो आपके साथ रुकेंगे, रूममेट जो आपके साथ रुकेंगे, उनको कोई इशू ना हो, तो इसलिए यहाँ पे एक अलग से लाइट लगाई गई है। बाकी कबर्ड जो है इसमें थोड़ा बेड के पास मिल जाता है एसी वाले में, इसमें भी अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर बैठना हो तो बैठने के लिए सिटिंग एरिया ये, दो एसी यहाँ पे लगाए गए हैं, बाकी पूरा पैक है ये, सामने मिरर और फैन, लाइट अच्छे से। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो बहुत अच्छी मेंटेन की गई है, मतलब हर डॉर्मेट्री के अंदर हर बेड पर साफ़ सफाई जो है बहुत अच्छी मेंटेन है। साफ़ सफाई के मामले को लेके आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे डॉर्मेट्री के अंदर ले लीजिए चाहे बाहर ले लीजिए। और फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ वाशरूम का क्या हाल है। वाशरूम जो है वो ये है, जेंट्स टॉयलेट एंड बाथरूम। इसमें साफ़ सफाई देखो यार, मतलब साफ़ सफाई के मामले में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये इसका वॉश बेसिन एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा, ये मिरर बिल्कुल साफ़ सुथरा, टॉयलेट्स बिल्कुल साफ़ सुथरे, वेल मेंटेन्ड जिसे बोलते हैं, ये टॉयलेट। और ऐसे ही ये एक टॉयलेट इधर है, ये वैसी ये एक टॉयलेट इधर है, और ये इस तरफ भी एक टॉयलेट जो अच्छा खासा साफ़ सुथरा। और ये आपको यहाँ पे बड़ा सा बाथरूम भी मिल जाएगा जो बहुत बड़ा है, गीज़र की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। अगर सर्दी लग रही है आपको गर्म पानी चाहिए तो वो आपको यहाँ पे बिल्कुल ज़रूर आराम से मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था, साफ़ सफाई जो है बहुत मेंटेन की गई है यहाँ के स्टाफ द्वारा, और यहाँ का जो स्टाफ है वो वेल बिहेव, इतना वेल बिहेव, मतलब इतना सपोर्टिंग है कि मतलब जिसकी लिमिट नहीं है। यहाँ पे जो रिसेप्शन जो भैया बैठते हैं बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ये वाटर कूलर लेडीज़ के लिए टॉयलेट और बाथरूम अलग से बनाया गया है, और एक बाथरूम जेंट्स वो यहाँ पर बिल्कुल अलग सेपरेट, जो कि बहुत साफ़ सुथरा। गीज़र की सुविधा आपको इसमें मिलेगी, बाल्टी मग्गा आपको इसमें मिलेगा, और हैंगिंग के लिए आराम से यहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी। और ये बाहर का कुछ एरिया जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये सारी डॉर्मेट्रीज हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, एसी वाली जो है वो इधर है, वो मैंने आपको बताया जो पूरा पूरा पैक है। और यही जानकारी आपको देनी थी। अगर मैं इसके कॉस्टिंग की बात करूँ तो उसकी कॉस्टिंग जो है मैंने लगभग 24 घंटे के लिए ली है, और 24 घंटे का मुझे पे करना पड़ा है लगभग 450 के आसपास, 450 अराउंड 500 के अराउंड जो मैंने पे किया है। तो ये है 24 घंटे की कॉस्टिंग नॉन एसी की, है ना, तो जो मैंने पे किया है। वहीं अगर आप इसकी एसी की बात करेंगे तो आपको 800-750 के आसपास आपको इसके लिए पे करना होगा एसी के लिए। तो ये थी मुंबई सेंट्रल की डॉर्मेट्री। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर डॉर्मेट्री में आप पहले यहाँ पर रुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें इस डॉर्मेट्री का, कि आपको कैसी सुविधाएँ यहाँ पर मिली थी। फिलहाल आज जो मैं आया हूँ मुझे तो मिली है इतनी बढ़िया सुविधाएँ इस डॉर्मेट्री के अंदर, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, क्योंकि पहले ही मैं डॉर्मेट्री में रुका हूँ, पहले ही मैंने आपको वीडियोज़ दिखाई हैं, लेकिन मुझे मुंबई सेंट्रल से ये उम्मीद नहीं थी कि पुरानी होने के बावजूद, क्योंकि नई भी डॉर्मेट्री मुझे मिली है ना, लेकिन पुरानी होने के बावजूद मतलब वेल मेंटेन रखी है साफ़ सफाई के को लेके यहाँ पे यहाँ के स्टाफ ने। तो ओवरऑल वीडियो आपको कैसे लगी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो का। और अगर आप यहाँ पे डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो फुली रिकमेंडेड है, चाहे एसी कीजिए चाहे नॉन एसी कीजिए, पुरानी है नो डाउट, लेकिन साफ़ सफाई जो है, साफ़ सफाई ने उसको मेंटेन किया हुआ है अभी तक के आप रहने पर बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई यात्रा में, नई वीडियो में, नई डॉर्मेट्री में। तब तक जय हिंद।